अस्सलाम वालेकुम। आज मैं आप लोगों के साथ चिन्योटी कुन्ने की रेसिपी शेयर करूंगी, जिसे मटका गोश्त भी कहते हैं। इसे मैं बोंग के गोश्त के साथ तैयार करूंगी। मैंने गाय का गोश्त लिया है, आप चाहें तो उसे बकरे में बनाएं, ज़्यादा वैसे बकरे में ही बनाते हैं। सबसे पहले हम इसका मसाला तैयार करेंगे, जिसके लिए हमें चाहिए 1 टीस्पून सौंफ, 1 टीस्पून साबुत धनिया, 3 से 4 हरी इलायची, थोड़ा सा छोटा सा टुकड़ा जायफल का, 1 लीफ जावित्री, 1 तेज़पत्ता, आधा बादियान का फूल, 1 टीस्पून पिसा हुआ गरम मसाला, 1 टेबलस्पून पिसी हुई लाल मिर्चें, 1 टीस्पून नमक, नमक आप अपने टेस्ट के मुताबिक भी इस्तेमाल कर सकते हैं, 1/2 टीस्पून हल्दी। अब हम इन तमाम मसालों को पीसते हैं। इन तमाम मसालों को बारी बारी हम एक मिक्सर में डालते हैं, ताकि हम इन्हें पीस के इसका बारीक पाउडर तैयार कर लें। इसे हमें बिल्कुल फ़ाइन पाउडर बनाना है। अगर थोड़ा मोटा हो तो आप इसे छान के एक दफ़ा और पीस लें। ये मैंने जितनी आपको क्वांटिटी बताई है, ये 1 किलो गोश्त की क्वांटिटी है। आप इसे 1 किलो गोश्त में इस्तेमाल करिएगा। मिर्चों को आप अपनी मर्ज़ी से कम ज़्यादा कर सकते हैं। अब मैं इसे तमाम मसालों को फ़ाइन पाउडर बनाती हूँ। ये मैंने इसको पीस के फ़ाइन पाउडर बना लिया है, मैं अभी आपको दिखाती हूँ। ये देखें, बिल्कुल फ़ाइन पाउडर तैयार हो गया है। तमाम अज्जा को हम पीस लेते हैं। सिर्फ एक गरम मसाला ऐसा होता है जो इस कुन्ना मसाले में क्रश करके डाला जाता है, भून के क्रश करके वो दम पे डाला जाता है, जो इस कुन्ने की जान होता है। उसके बगैर कुन्ने का टेस्ट इन्हेंस नहीं होता, और वो इंग्रेडिएंट है शाहजीरा। देखा, शाहजीरा, बादशाह, इसे बाज लोग शाहजीरा भी कहते हैं। अब हम अपने कुन्ने की तैयारी करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। 1 कप घी, 1 दरमियानी प्याज रफली चॉप्ड करके डाल दें, लेकिन ध्यान रहे कि हमें प्याज को बहुत ज़्यादा पकाना नहीं है, उसको ब्राउन नहीं करना, सिर्फ हमें उसको ट्रांसपेरेंट करना है। ये वाली कंडीशन जब इस तरह की हो जाए, हम इसमें शामिल करेंगे 1 किलो बोंग का गोश्त और 2 टेबलस्पून लहसुन अदरक का पेस्ट। इसे भी भूनेंगे अच्छी तरह। हम इसे इतना भूनेंगे कि गोश्त का कलर चेंज हो जाए। जब गोश्त का कलर चेंज हो जाएगा तो फिर हम इसमें मसाला ऐड करेंगे। 1 किलो गोश्त में जो हमने मसाला बनाया है वो 3 टेबलस्पून इस्तेमाल होगा। ये हमने 3 टेबलस्पून मसाला डाला, इसे हम फिर इसकी हम भुनाई करेंगे। अच्छा, कुन्ने के अंदर ना दही इस्तेमाल होती ना टमाटर, इन दोनों चीज़ों में से कुछ भी नहीं इस्तेमाल होता, इसलिए आप इस बात का ध्यान रखिएगा। ये हम इसकी अच्छे से भुनाई कर रहे हैं। हमें भुनाई करते हुए 4 से 5 मिनट हो गए हैं। अब हम इसमें शामिल करेंगे पानी। मैंने डाला है 4 से 5 ग्लास पानी, क्योंकि मैं इसे कुकर में बना रही हूँ। अब हम इसे ढक के 30 से 35 मिनट के लिए पकाएंगे, या उस वक्त तक जब तक गोश्त अच्छा सा गल जाए। 35 मिनट के बाद गोश्त को चेक करते हैं कि कितना गला है। नहीं गला होगा तो थोड़ी देर और पका लेंगे। ये देखिए, माशाल्लाह, बहुत अच्छा गोश्त गल गया है, क्योंकि चिन्योटी कुन्ने के लिए हमें इतना ही अच्छा गला हुआ गोश्त चाहिए। अब हम लेंगे 1/2 कप आटा, चक्की का आटा लिएगा, उसमें डालेंगे 1 कप पानी और इसको विस्क से अच्छी तरह से मिक्स करेंगे कि इसके अंदर कोई लम्प्स वगैरह ना रहें। ये इसकी कंसिस्टेंसी होनी चाहिए रनी। अब हम इसे कुन्ने में ऐड करेंगे। अगर आपको लगे कि और आटे की ज़रूरत है तो आप थोड़ा सा और शामिल कर दिएगा, लेकिन अभी हम देखते हैं। हम इसको अब आराम आराम से चलाएँगे। कुन्ने और निहारी में ये फ़र्क होता है कि कुन्ना जो है वो थोड़ा सा पतला होता है और निहारी जो है वो गाढ़ी होती है।
ये देखिए हमें इतने ही ज़रूरत थी। अब हमने इसमें शामिल किया 1 टेबल स्पून शाहजीरा। शाहजीरा जो है वो कुन्ने की जान होता है, इसके बगैर कुन्ने का मज़ा नहीं आता। इसको 5 से 10 मिनट के लिए दम पे रख दें। अब इसको हम सर्व करेंगे। पहले हमने गोश्त डाला, फिर हमने उसका शोरबा डाला। देखिए माशाल्लाह कितना प्यारा लग रहा है, कितनी खूबसूरत शक्ल आई है हमारे चिन्नियोटी कुन्ने की। इसको हम अदरक के साथ, हरी मिर्चों के साथ, हरा धनिया और लीमू के साथ सर्व करेंगे। आप इसे नान के साथ या चपाती के साथ जैसे आपका दिल चाहे खाएं। अगर आपको मेरी रेसिपी अच्छी लगी तो आप इसको लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और कोई अच्छा सा कमेंट दें। दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।